मॉर्निंग 6:45 हो गए हैं मॉर्निंग के, और हम अभी निकले हैं तैयार होके कहाँ पे, रोड ट्रिप पे। 3 डेज की रोड ट्रिप है, और ये रोड ट्रिप पे 2 कार जाएगी, थार और क्रेटा। और कितने लोग जा रहे हैं वो तो अभी थोड़ी देर में मिलके सबसे बताते हैं। सबसे पहले नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद ये छोटा सा सामान है वो गाड़ी में लोड करेंगे, फिर राजा भाई को उठाएंगे। उनको उठाना पड़ता है, बहुत भारी है ना वो। उनको उठाएंगे, उनको भी सामान के साथ लोड करेंगे, फिर आगे चलेंगे ऑफिस की तरफ, क्योंकि आज का हमारा मीटिंग प्लेस है ऑफिस। ऑफिस में सब लोग मिलेंगे। कितने लोग जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, मैं आपको वहाँ जाके बताता हूँ। चलो, ये है अंधेरे में छुपी हुई हमारी काली गाड़ी। धुलवाया नहीं है क्योंकि भाई बारिश का मौसम है, वापस से वैसे के वैसे हो जाएगी ना। और अभी तो बहुत गहरे कीचड़ में जाने वाली है, देखो तो सही। मेरा बस इतना सा सामान है, खाली एक बैग, और इसमें तो जूते है। चलो काली गाड़ी की सवारी। ये गाड़ी को ले जाने का मेरे को इतना एक्साइटमेंट है ना, क्योंकि भाई जो मज़ा है ये काली गाड़ी में, जय महादेव भाई, और किसी में नहीं है ना। तो अभी भगवान का नाम लेते हैं और चलते हैं अपनी खतरनाक रोड ट्रिप पे। जय भाई साहब, मेरे को बोल रहे बाहर ही खड़ा। अच्छा ये रहे यार, वेलकम। तो राजा भाई को लोड कर दिया है सामान के साथ। गुड मॉर्निंग। मैंने बोला राजा का भाई को भी सामान के साथ लोड कर देंगे, कोई नहीं। तो ऑल सेट, अभी सब हम जा रहे हैं ऑफिस की तरफ असरवा। वहाँ पे पूरी टीम मिलेगी, पूरा स्टाफ जा रहा है। स्टाफ में कौन कौन है शायद आपको पता है, नहीं पता है तो बता देते हैं। तो चलो फटाफट अभी वहाँ पहुँचते हैं, सब लोग वेट कर रहे होंगे। और ये है गुरखा, ये गुरखा है, कौन सी है, जिप्सी का बनाया हुआ है क्या। किसको किसको इसमें बिठा रहे हो, इंसान को बिठा रहे हो, सामान को बिठा रहे हो, सामान को, सामान का। यार 2 दिन के लिए जा रहे, सामान तो देखो। एक ये गाड़ी और एक ये गाड़ी। एक्चुअली वाइपर में पानी डालना भूल गया था मैं, 2 दिन से पानी नहीं था। मैं बोला पानी तो चाहिए क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी भी वाइपर लगाने की जरूरत। हमारे चुबाश्री कितना अरे पीने का पानी डाल रहा है बे क्या। तो भाइयों ऑल सेट, मारुति ऑटो वाल से दोनों गाड़ियां अभी निकलेगी, और ये भाई लोग फोटो सेशन करते हुए। तो चलो ये गाड़ी में कौन आएगा भाई, चलो जल्दी, टाइम हो गया है, जल्दी जाना था, 7 बजे निकलना था, 8:30 तो इधर ही हो गए। और हम जा रहे हैं राजस्थान जवाई बांध। 1 साल पहले जब ये यूट्यूब की शुरुआत थी तब गए थे, यही टीम पूरा स्टाफ हमारा मारुति ऑटो वाल का, एक बार फिर से धमाल मचाने जा रहे हैं। और इस बार तो, तब तो थार नहीं थी हमारे पास, इस बार तो थार को ऊपर चढ़ाएंगे, है ना। कहाँ चढ़ाएंगे वो तो आपको वहाँ जाके बताते हैं। थार में 4 जन, वैसे तो मैंने सोचा था थार में 2 जन से ज़्यादा किसी को बिठाऊंगा नहीं, पर बिठाना पड़ा क्योंकि गाड़ी 2 है और इंसान ज़्यादा है। वो गाड़ी आई, अच्छा वो गाड़ी भी पीछे पीछे आ रहे हैं। चलो भाई चलते हैं जवाई बांध है, लास्ट ईयर की तरह वापस से धमाल मचाने के लिए, और इस बार तो थार को चढ़ाना है ऊपर, है ना। डेस्टिनेशन जवाई बंद का डाल दिया है, कितने बजे पहुंचेंगे, 2:15 बजे, पर आई थिंक 2:15 तो नहीं बजेंगे, 3-3:30 के आसपास पहुंचेंगे। कितने किलोमीटर है, 310, और मौसम रहनुमा हो रहा है धीरे धीरे, और मस्त बारिश आ जाए तो मजा आ जाए, क्या बोलते हो भाई। मौसम तो बना हुआ है, तो भाई अभी तो अहमदाबाद क्रॉस नहीं किया है और यहाँ रुका दिया है भाई ने, क्योंकि सब लोगों को नाश्ता करना, बहुत जल्दी निकल गए ना, सुबह 4 बजे निकल गए सब, है 9 बजे तो इनको घर से भी नाश्ता करके नहीं आया, इसलिए 9 बजे तो यहाँ नाश्ता करना है। दोनों गाड़ी यहाँ पार्क है, अभी यहाँ सब लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं को ड्राइवर सीट पर बैठ जाऊँगा, क्योंकि राजा भाई गाड़ी चलाएँगे बॉर्डर तक, रतनपुर बॉर्डर तक राजा भाई चलाएंगे, तब तक मैं वीडियो बना लूँगा। तू गलत जगह झुकना बंद कर दे,
कहाँ कहाँ झुक रहा है, जो पोजीशन में तो झुक रहा था ना, कोई क्यों कुछ करके चला जाएगा। चलो भाई यहाँ नाश्ता वास्ता कर लिया है, अब आगे निकलते हैं। मैंने तो खाली एक रेडबुल पिया, क्यों नाश्ता तो ऑलरेडी करके आया है। रेडबुल नहीं सॉरी हेल सस्ता वाला। अभी राजा भाई चलाएंगे बॉर्डर तक। आजा भाई, सलमान भाई चलो सवारी, चलो 1 2 कोई बाकी है भाई? बाकी सब तो ये गाड़ी की जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी ये गाड़ी की है। ये हम पालनपुर वाले हाईवे पे जा रहे हैं ना, मेहसाणा पालनपुर, हाँ आबू बॉर्डर आएगा है ना। मैंने बोला रतनपुर बॉर्डर, रतनपुर बॉर्डर तो उस तरफ आएगा, हिम्मत से यहाँ पे आबू बॉर्डर मेहसाणा पालनपुर से आबू होते हुए जाएंगे राजस्थान। माय मिस्टेक, यानी प्लानिंग में चेंज नहीं है ना, माउंट आबू भी वेदर अच्छा है इसके लिए। नहीं माउंट आबू नहीं जाना, माउंट आबू तो अभी जाके आए, अभी तो सिर्फ जाएंगे जवाई पर, उसके बाद। पर माउंट आबू एक चीज आपको पता है क्या, वहाँ गुजरातियों का एक गढ़ है, गढ़ वहाँ पे राजस्थान इससे ज्यादा गुजराती ज्यादा है, वो रहता ही है गुजरातियों का, समझो राजस्थान है और माउंट आबू है मक्का मदीना है। पता है किस लिए, समझ रहे हो विनोद, किस लिए, किस लिए मक्का मदीना है, समझ जाओ। अरे भाई ये कलोल्स के आगे ट्रैफिक तो देखो, बहुत ट्रैफिक है भाई, ठीक आगे तक ट्रैफिक है। हमने सोचा था कि मंडे निकल रहे हैं तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो ये तो मंडे भी ट्रैफिक मिल रहा है। अरे यार ऐसा रहा तो अभी तो मेहसाणा में ट्रैफिक मिलेगा, पालनपुर में ट्रैफिक मिलेगा, क्या करने का भाई, जल्दी करो भाई। चचा हमको ऑफिस नहीं जाना है, पर ऑफिस से भी बहुत इम्पोर्टेंट जगह पे जाना है। कर दे तुझको हम नया यार भी ढूंढ के, नसीब से मिला जो ये तेरा साथ, निकल तो गए हैं, बोल रहे हैं जवाई बंद में, रास्ते सारे बंद में, बहुत कल रात से बहुत ज्यादा बारिश है, कहीं नहीं था दोरो कौन बताए नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, निकले हैं तो कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। वो नहीं है, वो क्या बोलते हैं, क्राइम मास्टर गोगो, आया हूँ तो कुछ लेके जाऊंगा, तो जा रहे हैं तो कुछ तो निकाल के लाएंगे, कुछ तो फुटेज ऐसे निकाल के लाएंगे ही, पालनपुर जो देखने में मजा आए, हमको करने में मजा है और आपको देखने में मजा है, करेंगे जरूर। मौसम ऐसा छोटा है, अरे 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 चाचा अरे ये को डांस कर रहे थे कौन डांस कर रहे थे, इधर नाचो। अभी रुके हैं यहाँ पे बीच रास्ते में। अरे 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 म्यूजिक टेस्ट हो रहा है। क्या ढूंढ रहा है बे, बॉर्डर आना बाकी है अभी। ओ भाई अब यहाँ से गाड़ी हम चलाएंगे कौन से बॉर्डर, आबू रोड तक हम चलाएंगे, वहां फिर से रेस्ट होगा। देख रहा है विनोद रेस्ट कितना हो रहा है, देखा सब लोग डांस कर रहा है, निकल भी गए। चलो भाई राजस्थान तो पहुंचेंगे, तब पहुंचेंगे, वेदर देखो क्या जम के बारिश हो रही है भाई, जम के। हमने एक्चुअली राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और राजस्थान में एंटर हो चुके,
गुजरात बॉर्डर क्रॉस कर लिए और पहुंचते ही इतना जबरदस्त बारिश मिला है ना भाई, देख रहे हो। अब पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, वो कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि ड्राइव करना है और रोड ट्रिप का मज़ा लेना है और ये बारिश और ये वेदर का मज़ा लेना है। देखो अभी आगे चल रहे हैं और 2 घंटे है, फिर देखते हैं। पहले सुमेरपुर सोचा है रुकने का, सुमेरपुर पहुंच जाए एक बार, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। यहाँ ये व्यू देख के रुके हुए हैं और पीछे से पता नहीं टों 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 का आवाज़ आ रहा है, उसको इग्नोर करना। बाकी मौसम तो एकदम बढ़िया है। अब यहाँ से कहाँ जाना है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी सोच रहे हैं कि ड्रोन उड़ाए भाई, ड्रोन रेडी करते हैं तो यहाँ पे ड्रोन का एक व्यू ले ले, क्योंकि इतना मस्त व्यू है ना। ये तो कुछ नहीं, आगे की तरफ बहुत अच्छा व्यू है, वो ऊपर से दिखेगा। सो भाई ड्रोन उड़ाया है, आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये सामने ड्रोन उड़ रहा है, ये इसके बाद का फुटेज ड्रोन से देखिए। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। सही या मैं हूं सही, किस पे ये इल्जाम है।